हाय साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का करियर कंपटीशन के प्रतिष्ठित मंच पर, जहां मैं लवगिरी दोबारा उपस्थित हूं आप लोगों के बीच में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके। और टॉपिक है आपका डे वाला। आज एक स्पेशल डे है, 10 नवंबर को सभी लोग आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आयुर्वेद दिवस से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। तो आज स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का सेशन में। और ये जो आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है, ये महर्षि जो धन्वंतरी हैं, धन्वंतरी जी के जनक माना गया है आयुर्वेद का। धन्वंतरी को आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। और धन्वंतरी आज धनतेरस पूजन भी है, उसके उपलक्ष्य में हम सभी लोग आयुर्वेद दिवस मनाते हैं। तो इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो देखते हैं आज आयुर्वेद दिवस के बारे में क्या क्या पॉइंट है इंपॉर्टेंट। आयुर्वेद दिवस 10 नवंबर को मनाया जाने वाला दिवस है, ये पॉइंट याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट, इस साल 2023 में इसका 8th एडिशन है, 8वां संस्करण मनाया जा रहा है, ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी नोडल एजेंसी जिसके द्वारा ये मनाया जाता है, वो है आपका सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस। इसके द्वारा ये मनाया जाने वाला त्यौहार है। और ये किस मंत्रालय के द्वारा मनाया जाता है, ये आयुष मंत्रालय के द्वारा मनाया जाता है, ये वाला पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना है। 2016 से ये मनाए जाने की इसकी शुरुआत मानी जाती है, तो ये वाला पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी किसके संदर्भ में, आपके आयुर्वेद दिवस के संदर्भ में। अब इस साल की थीम, क्योंकि हर साल अलग अलग थीम होती है आयुर्वेद दिवस की, तो इस साल की जो थीम रही आयुर्वेद दिवस की, वो रहा आपका एक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद, आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ। तो ये वाला पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला पॉइंट आप लोगों से पूछा जा सकता है। और किसके द्वारा मनाया जाता है, ये आयुष मंत्रालय के द्वारा मनाया जाता है। तो ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।